हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के स्टूडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज लगेगी मार्केट में सबको कवर करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट को। बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आज के दिन ये 21 पर देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों की फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये जो मीटर है मुझे लगता है 20 से लेकर आपको 25 पर ही देखने को मिली है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट है एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिला है, तो जब तक इस रेंज में है तब तक सेंटीमेंट भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट इस रेंज को छोड़ता है, या तो बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल जाए मार्केट में अगेन से, या फिर मार्केट कुछ इतना पॉजिटिव वे में पंप कर ले कुछ बड़े अपडेट के बाद या कुछ बड़े मार्केट में न्यूज़ के बाद से, तो फिर ये सेंटीमेंट जो है आपको यहाँ से ग्रीड के साइड में आते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब लोगों के मन में जो डर है अभी एवरेज पे जो है फिर आप चल मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 0 लो और यहाँ पे अगर 50 लो, तो फ्रेंड्स ये जो आपको मीटर है अभी 50-50 पे चल रहा है। मतलब कि जो डर है मार्केट में बीच बीच में चल रहा है, तो ये जो है कम होते हुए देखने को मिलेगा। कब? जब मार्केट पंप करेगा, एक अच्छा वाला पंप करेगा। तो छोटा मोटा ये जो पंप हो रहा है फुसकी टाइप, इससे कुछ नहीं होने वाला फिलहाल। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं ओवरऑल मार्केट कैप। सुबह में तो कुछ और था, अभी टाइम में क्या है देखते हैं। अभी टाइम में गिरावट है या ग्रोथ है वो देखते हैं, फिर छोटे मोटे बड़े जो भी न्यूज़ दिख जाएंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1.72 ट्रिलियन है, जो कि सुबह में बात करें तो फ्रेंड्स सुबह में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये 1.73 ट्रिलियन के पास में थी। वहीं अभी के टाइम में फ्रेंड्स जो है मार्केट में देख सकते हो लगभग 0.5% की गिरावट है। वहीं सुबह में बात करें तो 0.078% के अप्रॉक्स में मतलब पंप था मार्केट। मतलब कि ले दे के आज मार्केट ठप है, कुछ नहीं है, ना ही पंप है ना ही गिरावट है, एक रेंज में बस रेंग रहा है मार्केट। तो फ्रेंड्स, इस वाले न्यूज़ की बात करें तो फ्रेंड्स इनका यह मानना है जो कि है बेटर बिजनेस ब्यूरो, तो इन्होंने वार्न किया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और इनका ये मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट है। मतलब कि सबसे ज़्यादा रिस्क के अगर अकॉर्डिंग हम लोग रैंक करें कि सबसे ज़्यादा मार्केट में रिस्की क्या है, तो क्रिप्टो मार्केट को इन्होंने सेकेंड रैंक यहाँ पर प्रोवाइड किया। आप यहाँ पर देख सकते हो इनका मानना है कि दूसरा सबसे ज़्यादा रिस्क वाली जो चीज़ है वो क्रिप्टो है, और क्रिप्टो में जो स्कैम होती है सबसे ज़्यादा दूसरी रिस्की चीज़ है, इनका ये मानना है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल्स में आते हैं, कहीं कुछ और बातें अगर निकल जाए उसके बाद से नेक्स्ट जो न्यूज होगी उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस तरह की जो आपको एक तरह से प्रिडिक्शन वाली न्यूज होती है या फिर जो कुछ एनालिसिस करके जो रिपोर्ट आती है, सबसे पहले आप ये देखना कि ये जो भी जिसकी न्यूज हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग जानते हैं वो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं होते हैं, या फिर वो कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूशंस या कंपनी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब क्रिप्टो के बारे में आपका खुद का कुछ ओपिनियन या खुद का कुछ स्टेटमेंट है तो आपका वो जो स्टेटमेंट है वो कल सारी दुनिया पढ़ेगी, वो एक न्यूज़ बन जाएगी। आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूँ, हम लोग कुछ नहीं है, बट जो लोग हैं जैसे एलन मस्क हैं, अभी वॉरेन बफेट हैं, उसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे अमेजॉन है या फिर ये जो अभी वीजा थी, मास्टर कार्ड थी, तो इस तरह के जो जिसे सब कोई जानता है उनकी कुछ न्यूज़ या उनकी कुछ ओपिनियन या उनकी कुछ स्टेटमेंट्स होती है मार्केट को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसे सारी दुनिया पढ़ना पसंद करती है क्योंकि उनके हर एक स्टेटमेंट में मतलब मैटर करता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब उसी तरह से ये चीज़ इसलिए मैंने बोला क्योंकि इन्होंने भी ये जो बात बोली है ये ऐसे ही नहीं बोले होंगे, इन्होंने भी कुछ एनालिसिस जरूर किया होगा, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो ये जो BBB BBB दिया है ये US का बेटर बिजनेस ब्यूरो है, जिन्होंने कहा कि ये जो स्कैम है, स्कैम के मामले में जो होती है क्रिप्टो करेंसी को, इन्होंने दूसरा स्थान दिया है। और यहाँ पे बोला है कि जो पेमेंट वगैरह होता है ना उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है होती है आपको क्या, तो स्कैम वगैरह। और यहाँ पे जो मॉनेटरी लॉस था उसको इनका मानना है कि 2020 से क्या है दुगना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले हाईलाइट को अगर देखा तो यहाँ पे कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जो स्कैम है वो बढ़ी है। कहाँ से? तो 7th इनका रैंक था, मतलब स्कैम के मामले में क्रिप्टो करेंसी को 7वां स्थान दिया गया था, कब? 2020 में, लेकिन ये 2021 में आ गया है 2nd पोजीशन पे। तो चलो यहाँ तक तो सब सही है, थोड़ा सा रिपोर्ट पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये पिक्चर है, यहाँ पर बोला गया है कि top 3 रिस्कीएस्ट, मतलब 3 सबसे ज़्यादा स्कैम मतलब रिस्की स्कैम जो रिपोर्ट किया गया किसके द्वारा, तो एक है कंज्यूमर के द्वारा, एक है बिजनेस के द्वारा। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो सबसे पहला है ऑनलाइन परचेज, दूसरे नंबर पे है क्रिप्टो करेंसी, तीसरे नंबर पे है एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार, और यहाँ पे बाय बिजनेसेस के द्वारा ये है कि फेक इनवॉइस और सप्लायर बिल, बैंक क्रेडिट कार्ड, कंपनी इंपोस्टर और वर्थलेस प्रॉब्लम सॉल्व सर्विसेज, इस तरह की जो है ये बिजनेसेस के द्वारा रिपोर्ट की गई है, ये इस तरह की कैटेगरी है। और इस तरह की कैटेगरी में इनको रैंक किया गया जिसमें क्रिप्टो करेंसी पहले था 7 नंबर पर, अब आ चुका है 2 नंबर पर, मतलब पहले से ज़्यादा स्कैम इसमें बढ़ चुके हैं क्योंकि हमेशा सर्वे के हिसाब से ये सब ऊपर नीचे होती हैं इनकी जो रैंकिंग है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं,
और अगर कुछ काम का निकलेगा तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग लगभग यही था जो कि ऊपर में मैंने बता दिया, अब कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अर्जेंटीना के सिटीजन है ये क्या किए हैं, तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि इसको IMF क्यों, तो इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब जैसे कि एडॉप्शन को लेकर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, तो इन ये स्लो डाउन कर रहे हैं जैसे क्रिप्टो एडॉप्शन को लेकर जो इनकी कंट्री में बात है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लेकर, तो इनको लगता है कि IMF के कारण ये जो है उनकी जो ज़रूरत पड़ रही है उस कारण से ये जो चीज़ है वो स्लो हो रही है। तो बस यही बात है, अब इसे भी डिटेल्स में नहीं आते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग लगभग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने बता दिया। अब अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।